बड़े इंतखाबी मार्के से कबल सियासी जोड़ तोड़। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफ़्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, सियासी इत्तेहाद पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, क्या लाडला वो होता है जिसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए? लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी अदालत में पेश नहीं होता, और अगर हो तो गुड टू सी यू कहा जाता है। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत की ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाकुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स, बानी PTI से बैरिस्टर गौहर और वकला को मुलाकात और मुशावरत की इजाज़त दे दी। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी, कहा इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? दुनिया का सबसे लंबा शख्स नसीर सोमरू बीमार, कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। मद्दाहों की हुकूमत से नसीर सोमरू के इलाज में मदद की अपील। गवर्नर सिंध ने रवां साल जून में नसीर सोमरू के घर जनरेटर लगाने और उनके कद के बराबर बेड बनाने की हिदायत की थी। जाती हैसियत से नसीर सोमरू को महाना 50,000 रुपये देने का भी ऐलान किया था।